मैं डॉक्टर भामा अग्रवाल, राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय भिवानी की ओर से हिंदी की इस कक्षा में आप सबका स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। आइए बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक 8 अर्वाचीन कवि में संकलित मैथिलीक्षण गुप्त द्वारा रचित कविता हमारी सभ्यता का अध्ययन शुरू करते हैं। इस अध्ययन से पूर्व मैं आपको इस कविता की पृष्ठभूमि से जोड़ना चाहती हूँ। मैथिलीक्षण गुप्त की कीर्ति का आधार स्तंभ तथा उन्हें राष्ट्र कवि का सम्मान दिलाने वाला ग्रंथ भारत भारती, जो 3 खंडों में विभाजित है, जिसका पहला खंड अतीत खंड, दूसरा वर्तमान खंड और तीसरा भविष्य खंड है। हमारी सभ्यता कविता अतीत खंड से ली गई है। इस कविता में भारत, जो विश्व गुरु के नाम से जाना जाता है, अध्यात्म गुरु के नाम से जाना जाता रहा है, सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता रहा है, कवि ने उसी भाव से हमें परिचित कराने की इस कविता में कोशिश की है। उन्होंने बताया है कि जब समूचा विश्व अज्ञानता के अंधकार में भटक रहा था, सभ्यता और संस्कृति के नाम पर उनके पास कुछ नहीं था, ऐसे समय में भी भारत अपनी विशेषताओं के कारण पूरे विश्व भर में ज्ञान विज्ञान में, नीति में, व्यवहार में, व्यापार में, वास्तुकला में, अध्यात्म में, भक्ति में, मानवता में, सभी क्षेत्रों में अपनी प्रकाष्ठा चरम सीमा तक पहुंच चुका था। यहाँ कवि हमें यह बता रहे हैं, जहाँ पूरा विश्व अपने शैशव काल में था, यानी जीवन जीने के गुर सीख रहा था, ऐसे में हम अपने आप को पूर्ण रूप से स्थापित कर चुके थे। वो ये भी बताते हैं कि भारत के लोग अपने ज्ञान विज्ञान तथा वीरता में अत्यंत मजबूत हो चुके थे, लेकिन उनमें स्वाभिमान तो था, अभिमान लेश मात्र भी नहीं था। साथ ही हम भारतवासियों का एक प्रमुख लक्ष्य रहा है मन की शांति, आत्मा का संतोष। आज भी समूचा विश्व जो संपन्नता में, विकास में, आविष्कारों की दृष्टि से चाहे भारत से आगे निकल चुका हो, लेकिन सच्चे सुख के लिए, सच्ची शांति के लिए आज भी उन्हें भारत की ओर देखना पड़ता है। प्यारे बच्चों, आज यदि आप विश्व के आंकड़े उठाकर देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि भारतीय संस्कृति, भारतीय जीवन मूल्य, भारतीय धर्म, भारतीय आस्था और विश्वास पूरे विश्व में अपना विशेष स्थान बनाए हुए हैं, और इसी विशेषता से हमारी भावी पीढ़ी को, हमारी वर्तमान पीढ़ी को जोड़कर कवि चाहते हैं कि भारत पुनः अपने उसी स्थान को प्राप्त कर ले जिस स्थान पर वो हमेशा हमेशा से आसीन रहा है और पूरे विश्व में पूजा जाता रहा है। तो अगर हम उठाकर देखते हैं इतिहास के पन्नों को, उन्हें पलटकर देखते हैं, तो पाएंगे कि जिस समय लोग हुंकार भरना सीखते हैं,
हाँ ना बोलना सीखते हैं, उस समय तो हम वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। जिस समय लोग नग्न घूम रहे थे, हमारी ध्वजा पताका फहरा रही थी। जिस समय लोगों ने जीवन को संगठित रूप में बांधना सीखा, उस समय हम एक मजबूत प्रशासनिक इकाई का रूप धारण कर चुके थे। तो कवि चाहते हैं कि हम जो परोपकार की भावना से परिपूर्ण हैं, जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के भाव को लेकर आगे बढ़ते हैं, जिनमें समदृष्टि है, समरसता है, अध्यात्म है, आनंद है, वो हमारी वर्तमान पीढ़ी भी अनुभव करे। इन्हीं भावों को लेकर यह रचना कवि ने हम लोगों तक पहुंचाई है और चाहते हैं कि हम उस महत्व को समझें, अपने आप को उस सांचे में ढालें जहां हम फिर विश्व की आँखों का तारा हों। श्रद्धा से वो हमें निहारें, भाव से हमें निहारें और हम अपने विशिष्ट गुणों से दोबारा संसार को लाभान्वित कर सकें, सुख दे सकें, आनंद दे सकें। पद संख्या 7। निज कार्य प्रभु की प्रेरणा ही थे, नहीं हम जानते प्रत्युत उसे प्रभु का किया ही थे सदा हम मानते। भय था हमें तो बस उसी का, और हम किससे डरें। हाँ जब मरे हम तब उसी के प्रेम में विह्वल मरे। प्रसंग। प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक 8 अर्वाचीन कवि में संकलित मैथिली क्षण गुप्त द्वारा रचित हमारी सभ्यता नामक कविता से लिया गया है। संदर्भ। इस पद में कवि भारत की महान संस्कृति और सभ्यता का वर्णन करने के साथ साथ हमें यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम भारतवासियों का जो जीवन दर्शन है, जो व्यवहार है, वो अहम से परिपूर्ण नहीं, अहंकार से परिपूर्ण नहीं, बल्कि सर्वस्व समर्पण का, त्याग का भाव लिए हुए थी। यहाँ भारत के मनुष्यों ने निश्चित रूप से हर क्षेत्र में असीम उन्नति की और समूचे विश्व को उसका लाभ दिया, लेकिन उसका सारा श्रेय ईश्वर को समर्पित कर अपने आप को उज्जवल बना लिया, भार से मुक्त कर लिया। तो इसी प्रकार के भावों को व्यक्त करते हुए कविवर कहते हैं, सरलार्थ निज कार्य। बच्चों सर्वप्रथम हम शब्दों के अर्थ करेंगे। निज माने अपना, कार्य माने काम, प्रभु की प्रेरणा प्रभु के संदेश से ही। हम जानते कि जो भी हम अपना कार्य करते थे उसे प्रभु का आदेश मानकर, प्रभु की इच्छा मानकर करते थे, प्रत्युत बल्कि उसे प्रभु का किया ही थे सदा हम मानते कि बेशक उस कार्य का संपादन या उस कार्य का होना हमारे शरीर के द्वारा हो रहा था, लेकिन यह शरीर ईश्वर का दिया हुआ है, इसमें शक्ति ईश्वर की दी हुई है, इसलिए हमारी मान्यता होती थी कि यह कार्य हमने नहीं बल्कि स्वयं ईश्वर ने हमारे शरीर के माध्यम से किया है। भय डर था हमें समूचे भारतवासियों को, तो बस केवल उसी का, ईश्वर का, और हम किससे डरे कि उसके सिवा हमें किसी का भी भय नहीं था। कि कवि कहते हैं कि भारतवासी हमेशा किसी भी कार्य को करने से पहले यह अवश्य देखता था कि मेरे इस कार्य के द्वारा समूचे जीव जगत को लाभ है अथवा नहीं है। यदि उसमें लेश मात्र भी यह एहसास होता
कि मेरे इस कार्य के द्वारा किसी का नुकसान होगा तो हम उस नुकसान को ईश्वर का नुकसान मानते थे और उसके क्रोध से डरते थे। अर्थात कहने का अभिप्राय यह है कि हम भारतवासी धर्म के अनुसार और मानव कल्याण का भाव लेकर कार्य को संपन्न करते थे। हमारी मान्यता थी कि यदि कोई भी कार्य मानवता के हित में नहीं है तो निश्चित रूप से उस कार्य के पूर्ण होने पर जब किसी जीव को कष्ट पहुंचेगा तो वो कष्ट मानव मात्र को नहीं बल्कि जीवात्मा के माध्यम से परमात्मा को पहुंचेगा और इस कष्ट की भावना ही हमें अनुचित मार्ग पर जाने से रोक लेती थी। जैसा कि बच्चों पिछले पद में आपने पढ़ा है कि भारत में चार प्रकार के आश्रम थे, ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो यहाँ उसी को जोड़ने की कवि ने दोबारा कोशिश की है, हाँ कि ये ठीक है, हम ईश्वर से डरते तो थे लेकिन भय उसकी नाराजगी का था, वरना ईश्वर के प्रेम में तो हम भारतवासी हमेशा ही व्याकुल रहते थे, बेचैन रहते थे, भाव में डूबे रहते थे। इसलिए कवि कहते हैं, हाँ जब मरे हम तब उसी के प्रेम में विह्वल हो मरे, कि जब भी हम प्राण त्यागते थे तो हमारे होठों पर हमारे रोम रोम में ईश्वर का नाम चलता था, उसी का नाम जपते थे, उसी की प्राप्ति के लिए प्राणों को त्यागते थे। क्योंकि बच्चों आपको मालूम है संन्यास आश्रम के अंतर्गत मनुष्य अपने घर परिवार समाज से अलग होकर अपना सर्वस्व समर्पण प्रभु के चरणों में कर एकांत में केवल उसका ध्यान लगाते थे ताकि उन्हें प्रभु के चरणों की प्राप्ति हो सके। एक बार फिर बच्चों मैं इस पद की व्याख्या कर रही हूँ। कवि कहते हैं कि हम जो भी कार्य इस संसार में करते थे उस कार्य को ईश्वर की आज्ञा मानकर, कृपा मानकर, आदेश मानकर करते थे और यह अहंकार नहीं होता था कि यह कार्य मैंने किया, बल्कि मान्यता यह थी कि यह शरीर ईश्वर का दिया हुआ है और कार्य की प्रेरणा ईश्वर की है, तो यह कार्य का जो क्रिया हो रही है, जो संपादन हो रहा है, वो भी इस शरीर के माध्यम से ईश्वर ही कर रहे हैं। हम प्रत्येक कार्य को करने से पहले उसे मानवता की कसौटी पर जांच कर देखते थे कि किसी भी जीव मात्र को हमारे इस कार्य से तनिक भी कष्ट न पहुंचे, क्योंकि हमारा दृढ़ विश्वास था कि यदि हमने किसी जीव को कष्ट पहुंचाया तो निश्चित रूप से वो कष्ट ईश्वर को ही होगा। हम संन्यास आश्रम के अंतर्गत जाकर तो ईश्वर की भक्ति करते ही थे, अर्थ धर्म और काम की भावना में भी हमारे अंदर केवल और केवल ईश्वर के संतोष का भाव प्रमुख रहता था, प्रधान रहता था। इसलिए प्रतिपल हमारा ध्यान ईश्वर के चरणों में समाया रहता था और प्रभु की कृपा हमारी सबसे अभिष्ट इच्छा होती थी। तो कवि बताना चाहते हैं कि भारतवासियों ने अपना सर्वस्व समर्पण तन से, मन से, क्रम से, कर्म से और आत्मा से अपने आप को ईश्वर के हाथों में सौंप रखा था। कवि के कहने का भावार्थ यह है कि भारतवासियों में अहम जैसा तत्व ढूंढने पर भी नहीं मिलता था, क्योंकि उन्होंने अपना सर्वस्व प्रभु को समर्पित कर रखा था। विशेष यहाँ भारत की महान सभ्यता और संस्कृति तथा इसकी आध्यात्मिक उन्नति पर प्रकाश डाला है। शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग है, शांत रस है, प्रसाद गुण है, हरि गीति का छंद है, गेय शैली है, अभिधा शब्द शक्ति है और बच्चों यहाँ
अनुप्रास, प्रश्न, उल्लेख आदि अलंकारों का सुंदर सटीक प्रयोग हुआ है। पद संख्या 8, बस बाह्य उन्नति पर नहीं हम थे मरे संसार में, थे मग्न रहते साथ ही हम आंतरिक रसधार में, जड़ ही नहीं हम नित्य रहते दिव्य चेतन से मिले, है दीप उनके निकट क्या जो पद्म दिनकर से खिले। प्रसंग पूर्ववत। संदर्भ, यहाँ कवि अपनी यानी भारतीयों की महान प्राचीन संस्कृति और सभ्यता तथा पूर्वजों के जीवन दर्शन का उल्लेख करते हुए कवि कहते हैं कि बस केवल बाह्य बाहरी अर्थात भौतिक सुख के साधन उन्नति विकास पर के लिए नहीं, नहीं हम भारतवासी थे इच्छा रखते थे मरे संसार में, कि मरना होता है जी जान से चाहना संसार जीवन में संसार भर में। ये कवि कहते हैं कि भारतवासी कभी भी भौतिक सुख साधनों की चाह में उचित और अनुचित का विचार छोड़कर उसकी प्राप्ति में नहीं लगे थे, अर्थात जीवन जीने के लिए उन्होंने भौतिक सुख साधन जुटाए तो जरूर, लेकिन वो भौतिक सुख साधन भारतवासियों के लिए सेवक के समान थे, उनके स्वामी कभी नहीं बन पाए। अर्थात कहने का भाव है कि भारतवासी कभी भी सुख साधनों की चाह में इतने पागल नहीं हुए, इतने दीवाने नहीं हुए कि उन्होंने कभी भी किसी का किसी भी प्रकार से कोई कष्ट पहुंचाया हो और अपनी आत्मा से समझौता किया हो। थे मग्न रहते साथ ही, थे मग्न खोए हुए रहते रहते थे साथ ही कि सुख साधनों को प्रयोग करते हुए जुटाते हुए हम आंतरिक रसधार में, आंतरिक माने आत्मा मन, रसधार आनंद, कैसा आनंद, आत्मा का संतोष, आत्मा की शांति, कि इस संसार में चाहे हमने विकास के कितने भी पायदान प्राप्त किए, विकास की कितनी ही सीढ़ियां चढ़ी, लेकिन एक भी सीढ़ी आत्मा की संतोष को छोड़कर, मन की शांति को छोड़कर नहीं चढ़ी। अर्थात हमने पहले आत्मिक संतोष ढूंढा, मन की शांति ढूंढी और उसके बाद सुख साधन जुटाए। जड़ ही नहीं हम नित्य रहते दिव्य चेतन से मिले, जड़ संसार के भौतिक सुख साधन या सांसारिक वस्तुएं, हम भारतवासी नित्य हमेशा दिव्य अलौकिक चेतन ईश्वरीय सत्ता, कि हम इस संसार में हमेशा उस ईश्वरीय सत्ता के साथ तालमेल बैठाकर ही सांसारिक जीवन जीते थे, यानी चाहे गृहस्थ धर्म का पालन किया, चाहे ब्रह्मचार्य का पालन किया, चाहे वानप्रस्थ का पालन किया अथवा व्यापारिक लाभ प्राप्त किया, उन सब में प्रमुखता ईश्वर की सत्ता से जुड़े रहने की रही। है दीप उनके निकट क्या जो पद्म दिनकर से खिले। यहाँ कभी उदाहरण देते हुए कहते हैं दीप दीपक निकट पास, क्या क्या फायदा, पद्म कमल दिनकर सूर्य, कि जो कमल का फूल सूर्य के उगने से खिलता है दीपक उसे किसी प्रकार भी प्रभावित नहीं कर सकता। अर्थात कवि यहाँ आत्मिक और आध्यात्मिक उन्नति की तुलना भौतिक सुख साधनों से करते हुए कहते हैं कि भारतवासियों के लिए आध्यात्मिक ज्ञान, आत्मा का संतोष, मन की शांति सूर्य के समान अनमोल थी और भौतिक सुख साधन दीपक की भांति थे। जिस प्रकार सूर्य अखंड है, अमर है, अजर है और दीपक नाशवान है, समय के बंधन में बंधा हुआ है, तो कवि यही कहते हैं कि भौतिक सुख साधन हमारे लिए केवल जीवन जीने का एक
सहायक तत्व था, जीवन का आधार नहीं था। एक बार फिर बच्चों, कवि कहते हैं कि हम इस संसार में आकर केवल सांसारिक भौतिक सुख साधनों की चाह में अपनी आत्मा से कभी भी समझौता नहीं करते थे। इस संसार में रहते हुए हम अपने सांसारिक कर्तव्यों और दायित्वों को निभाते हुए ईश्वर की सत्ता को एक पल के लिए भी नहीं भूलते थे। इस संसार में जब भी हमने कोई कार्य किया, चाहे वो सांसारिक हुआ, चाहे वो पारिवारिक हुआ, चाहे वो व्यापारिक हुआ, चाहे वो व्यवहारिक हुआ, उन सबको हमने अलौकिक सत्ता से जोड़े रखा। यहाँ उदाहरण देकर कवि कहते हैं कि हमारे लिए आध्यात्मिक चेतना, आत्मा का संतोष और मन की शांति सूर्य की भांति प्रबल मार्गदर्शक थी, और इस संसार की भौतिक सुख सुविधाएं एक दीपक की भांति तुच्छ और कम महत्वपूर्ण थी। कवि के कहने का भाव यह है कि भारतवासी चाहे कहीं रहे, कितना ही विकास किया, लेकिन अलौकिक सत्ता ईश्वर से विमुख कभी भी नहीं हुए। विशेष यह भारतीय सभ्यता की महानता और भारतवासियों के आध्यात्मिक भाव की ओर ध्यान दिलाने की कोशिश की गई है। शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, अभिधा शब्द शक्ति है, शांत रस है, प्रसाद गुण है, हरि गीति का छंद है, गेय शैली है, अनुप्रास, उल्लेख, प्रश्न आदि अलंकारों का सुंदर सटीक प्रयोग हुआ है। आज की कक्षा में बस इतना ही। आशा है बच्चों विषय आपको अच्छा लग रहा होगा, आप स्वयं गर्वित महसूस कर रहे होंगे, संभवतः सब अच्छी प्रकार से समझ आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी विषय वस्तु समय पर प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दिन और जीवन सुखमय हो, मंगलमय हो, इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद साथियों, फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया।